मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव लक्ष्मण, कहो अपने जीवन की संतन लीला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूं? हे मामना, नीति धर्म राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूं लक्ष्मण कि तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर उपस्थित हुए। अस्तु, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। हे सुमित्रा नंदन, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, वो बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये त्रिलोक विजेता विद्या विचारक महापंडित रावण है। अहंकार में तीनों गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो इस रावण का। लक्ष्मण, रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान था। लक्ष्मण, जीवन में सफल होने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद आना अनिवार्य है। मित्रता भले ही अपने समतुल्य या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य व्यक्ति के साथ ही ठानना, क्योंकि ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर लगाता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण की ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो ना, इस जगत ने जो कुछ राम से जुड़कर प्राप्त नहीं किया, उसे रावण ने राम से लड़कर प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, वे हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करते हैं। हमारा शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा से निकालकर सुरक्षा में जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। कभी अपने शत्रु को नमस्कार करके देखना, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। लक्ष्मण, जैसे शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता, गज को संचालित करने वाला अंकुश आकार में गज से बड़ा नहीं होता, वैसे ही व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यवस्थापक को कभी भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम तुम्हें स्वयं दे सकते थे,
किंतु उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा, जानते हो क्यों? लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, लेकिन मैं प्रकृति से एक तपस्वी हूं, साधक, और किसी भी व्यक्ति को अपने अंतिम समय में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करने चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं मुक्ति प्राप्त होती है। और राम रावण को मारना नहीं तारना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने मेरे अंतिम समय में मेरी प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवा कर मेरी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। आने वाले समय में ये जगत कहेगा कि त्रिलोक विजेता विद्या विचारक महापंडित रावण की पराजय का एकमात्र कारण है कि उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। लेकिन इस जगत को यह स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को रावण नहीं स्वयं राम बनना पड़ता है। सदैव अपने भाई राम के अनुगामी रहना।